हेलो क्लास 10, आई एम अगेन वेलकमिंग यू टू दिस चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये जो क्लास 10 का जो साइंस है उसमें जो पार्ट है केमिस्ट्री का और उसका भी सेकेंड चैप्टर जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इससे पहले बहुत सारी वीडियोज आ चुकी है ऑन द एमसीक्यू क्वेश्चंस, सो आपको जो भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज चाहिए रिगार्डिंगली साइंस और आपको जो भी सब्जेक्ट है आप जाकर इस चैनल पे स्क्रॉल करके देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट फर्दर स्टार्ट दिस वीडियो। So here is our first question that farmers utilize the effect of acidity by the soil adding। farmers जो utilize कर देते हैं effect of acidity को क्या add करके अपने soil में, salt, lime, gypsum, caustic soda या baking soda। So I am giving you 5 second time, that is 5, 4, 3, 2 and 1। So our right answer is that salt lime। As you know that salt lime is a type of what? Is a type of nothing but salt। तो इसको मिलाकर के वो क्या करते हैं, दैट इज वो एसिडिटी जो है वो क्या करते हैं, दूर कर देते हैं इन इंडियन फील्ड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हिच गैस इज इवॉल्वड व्हेन द एसिड्स रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा गैस जो इवॉल्व होता है एसिड रिएक्ट विद मेटल। ये आपने मेटल एंड नॉन मेटल और एसिड वर्सेस सॉल्ट दोनों चैप्टर में पढ़ा हुआ है। सो आप बताओ मेरे को कि कौन सा गैस यहाँ पे इवॉल्व होगा एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, O2, CO2, H2 या N2। सो आई एम गिविंग यू 5 सेकंड्स टाइम, तो आपको विद इन अ 5 सेकंड आपको आंसर देना है। सो योर टाइम स्टार्ट विद इन अ सेकंड, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सो हियर इज आवर राइट आंसर, दैट इज H2। हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होता है कब, जब एसिड जो है रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल्स के साथ। अगर एसिड का रिएक्शन होता है मेटल्स के साथ तो वहां से क्या निकल के आता है आपका, नथिंग बट हाइड्रोजन गैस। आपने पढ़ा होगा दैट इज एसिड प्लस मेटल विल मेक व्हाट, मेटल असॉल्ट प्लस क्या छोड़ देगा ये H2 गैस को। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सैंपल ऑफ सॉइल। जो सैंपल ऑफ सॉइल को क्या किया गया है, मिक्सड विथ वाटर एंड अलाउड टू द सेटल। द क्लियर सुपरेंट सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द चेंज ऑफ द कलर ऑफ दिस पीएच प्रॉपर ग्रीनिश ब्लू। पूछ रहा है क्या कि एक सैंपल ऑफ जो सॉइल है वो मिक्स किया गया किसके साथ, वाटर के साथ मिक्स किया गया है और अलाउ किया गया है सेटल होने के लिए, छोड़ दिया गया है। अब जो क्लियर सुपरिंटेंट सॉल्यूशन है जो क्या करता है वो टर्न कर देता है उसका जो पीएच पेपर है उसको येलोइश ऑरेंज में। ठीक है, तो इसमें से कौन सा चेंज होगा उसके पीएच कलर में आपको बताना है, ग्रीनिश ब्लू में उन्होंने चेंज कर दिया है। सो दैट्स व्हाई आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा चेंज है ये, क्या वो एसिडिक है बेसिक है कैसा नेचर है उसका। सो आपको विद इन अ 5 सेकंड इसका आंसर देना है। सो योर टाइम स्टार्ट विद इन अ सेकंड, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सो आपको पता है कि अगर येलोइश ऑरेंज से जो अगर ग्रीनिश ब्लू में चेंज कर देता है तो वो नथिंग बट एक क्या होता है, एंटासिड होता है, एक बेसिक सॉल्यूशन वो चीजें होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्या करते हैं हम लोग, फ्री फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्लिप्स ओवर द हैंड। क्या होता है अगर जो गलती से हमारे हाथ पर जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिर जाए स्टूडेंट के हाथ पे तो क्या होगा, तो उसके बाद क्या करना चाहिए, वॉश द हैंड विद द सलाइन सॉल्यूशन, वॉश द हैंड इमीडिएटली विद द प्लेंटली ऑफ द वाटर एंड अप्लाई वेस्ट ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आफ्टर वॉशिंग अ प्लेंटी ऑफ द वाटर एंड द सप्लाई ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्साइड ऑन द हैंड, न्यूट्रलाइज द एसिड बाय सॉल्ट अल्कलाई। अब इन चारों प्रोसेस में से क्या करना चाहिए जब आपके हाथ पे एसिड गिर जाए, जैसा कि इस केस में इस स्टूडेंट के साथ हुआ है। सो ठीक है, तो आपको मैं अभी देता हूँ एट द टाइम ऑफ द 5 सेकंड, दैट इज योर टाइम स्टार्ट विद इन अ सेकंड। सो नाउ, सो 5, 4, 3, 2 एंड 1। सो द राइट आंसर फॉर दिस सॉल्यूशन इज बी। बी में क्या बोल रहा है कि वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ द वाटर, अच्छे से हाथ को पानी से धोइए और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को वहाँ पे लगाइए। ठीक है, ताकि क्या हो वो हील कर दे आपका वो वाला एरिया को। चलिए, या क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक जो कंस्टिट्यूएंट है बेकिंग पाउडर का वो एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है।
अदर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है जिससे मिलकर के बना हुआ हो हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, किसी भी चीज़ से जो चीज़ मिलके बनाते हैं वो ही कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। यानी कि हम लोग अगर हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बातें करें तो वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बेकिंग पाउडर का। तो उसमें एक और क्या चीज़ें मिली हुई होती है जिसके कारण वो बेकिंग पाउडर मिलती है, क्योंकि आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डायरेक्ट तो बेकिंग सोडा होता है। बहुत बच्चे बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर में कंफ्यूज रहते हैं, बट बोथ आर नॉट सेम, ये याद रखिएगा। तो वही आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्या उसमें एक और चीज ऐड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टार्टरिक एसिडिक या सल्फ्यूरिक एसिड। योर टाइम स्टार्ट विद इन अ सेकंड नाउ, सो 5, 4, 3, 2 एंड 1। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो है वो क्या करता है, वो एक अदर कॉन्स्टिट्यूएंट है बेकिंग सोडा सॉरी पाउडर में। चलिए देखो, इंक्रीज इन द ओएच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन लीड्स टू क्या होता है, अगर ओएच माइनस आयन में कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज आ जाए तो ओएच में अगर इंक्रीज आता है तो वो कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, उसका पीएच सॉल्यूशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डजंट अल्टर पीएच सॉल्यूशन या फिर डिक्रीज हो जाता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि ओएच माइनस आयन अगर बढ़ेगा कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, उसका पीएच का वैल्यू कैसा हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं चेंज होगा, बेसिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन होगा। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एन इंक्रीज इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, पीएच सॉल्यूशन में इंक्रीजमेंट आएगी। अब बोल रहा है कि सॉल्यूशन जो है टर्न्ड द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। एक सॉल्यूशन है जो कि टर्न कर रहा है किसका कलर, रेड लिटमस का ब्लू, तो पीएच क्या होगा उसका, 2 होगा 5 होगा 7 होगा या 10 होगा। आपको ये अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी पीएच वैल्यू पर अगर बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आती है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन में, कि एक एसिडिक होता है और एक बेसिक होता है, ठीक है। सो आपको बताना है कि इसमें कौन सा एसिडिक है एंड कौन सा बेसिक है। तो चलो देख लेते हैं कि उसका पीएच वैल्यू कैसा हो जाएगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सो जल्दी से आंसर दीजिए। तो 5, 4, 3, 2 एंड 1, प्लीज आंसर योर क्वेश्चंस आंसर इन द कमेंट। आप अपने आंसर्स को कमेंट में लिख दो, आई विल सी दैट, और मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा कि वो सही है या गलत है। ऐसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सही आंसर है 10, क्योंकि 10 7 से ज़्यादा है और वो क्या है, पीएच वैल्यू को बताता है। हमको पता है कि जैसे ही 7 से ऊपर जाएगा वो सॉल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है कि इफ द ही पीएच ऑफ द सॉरी द पीएच ऑफ द थ्री सॉल्यूशन, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हुई है, दैट इज यहाँ पे टी लग जाएगा ये टाइपिंग में। सो द पीएच ऑफ द थ्री सॉल्यूशन क्या है, एक्स वाई एंड जेड होगा। सो उसका क्या है, 6, 4 एंड 8 है पीएच सॉल्यूशन, ठीक है। पीएच सॉल्यूशन एक्स का 6 है, वाई का 4 है और जेड का 8 है। तो आपको आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली इसमें से कौन सा सही है, एक्स बड़ा है वाई से, बड़ा है जेड से, जेड बड़ा है वाई से, बड़ा है एक्स से, वाई बड़ा है एक्स से, बड़ा है जेड से, जेड बड़ा है एक्स से, बड़ा है वाई से। सो आपको इसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, दैट इज एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड, जेड ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन एक्स, वाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन जेड, और जेड ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वाई। सो योर टाइम स्टार्ट विद इन अ सेकंड, आपको एक आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, तो आप इसका राइट आंसर दो। सो 5, 4, 3, 2 एंड 1, सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट वाई इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन जेड। क्यों, क्योंकि 4 सबसे ज़्यादा होता है एसिडिक, फिर 6 होता है, फिर 8 तो क्या चला जाता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन में चला जाता है बेसिक वाले में। सो उसकी जो है ऑर्डर पीछे रहेगी सबसे, दैट इज जेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं तो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज व्हाट एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। कौन सा जो है इनमें से क्या हो सकता है, यूज हो सकता है एज अ एसिडिक बेस इंडिकेटर बाय यूजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट, लिटमस, टर्म्यूरिक, वेनिला एसेंस या पेटूनिया पेटूनिया लीव्स। कौन सा इनमें से जो है स्टूडेंट जो है यूज कर सकता है एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में। सो आपको इसका आंसर देना है विद इन अ सेकेंड, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो 5, 4, 3, 2 एंड 1, सो योर टाइम स्टॉप्स नाउ, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस क्या है, आप ये उसका यूज कर सकते हो एज अ एसिड बेस इंडिकेटर, है
ना वो क्या करता है, एसिड के साथ कुछ नहीं करता है, बट इसके साथ अपना स्मेल छोड़ देता है। ये एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी कहलाता है। वेनिला एसेंस का जनरली आप लोग यूज़ कहाँ पे करते हो, केक वगैरह बनाते हो तो वहाँ पे जनरली खुशबू के लिए यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे वेरियस पर्पसेस हैं वेनिला एसेंस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमिक कंपोज ऑफ। जो गैस्ट्रिक एसिड जो प्रेजेंट है स्टोमिक में कंपोज किस चीज़ का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड। सो मैंने आपको आंसर पहले ही दे रखा है, दैट इज जो गैस्ट्रिक जूस जो है गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है हमारे स्टोमिक में वो कंपोज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट, सो हेयर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, पूछा है कि कौन सा एसिडिक है नेचर में, लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर या एंटासिड। कौन सा होगा एसिडिक, लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर या एंटासिड। आई एम गिविंग यू 5 seconds टाइम, सो योर टाइम स्टार्ट विद इन अ सेकेंड नाउ। सो 5, 4, 3, 2, and 1, सो योर टाइम स्टॉप्स नाउ। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट लाइम जूस। लाइम जूस क्या है, एसिडिक इन नेचर होता है, बाकी क्या हो जाता है, बाकी सब बेसिक हैं, सॉल्ट लाइक है, एल्कलाइन होते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा कि व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड, जब सॉल्यूशन ऑफ एसिड जो डाइल्यूट हो जाता है तो व्हाट विल बी द चेंज इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो हमारे पास कोई भी एक सॉल्यूशन है, ब्रीकर में मैंने माना कि कोई भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सो क्या है ऑफ एसिड जो है डाइल्यूट किया गया तो उसका पीएच में क्या बदलाव आएगा। पीएच सॉल्यूशन सेम रहेगा, पीएच सॉल्यूशन जो इंक्रीज होगा, पीएच सॉल्यूशन डिक्रीज होगा या पीएच सॉल्यूशन चला जाएगा 7 से ऊपर। सो आपको इसका सही आंसर देना है विद इन अ 5 seconds, सो योर टाइम स्टार्ट्स विद इन अ सेकंड नाउ। सो 5, 4, 3, 2, and 1, सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन रिमेंस द सेम। और हाँ, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो पे 20 लाइक्स कर दीजिए, सो इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हेन द स्टॉपर ऑफ अ बॉटल कंटेनिंग कलरलेस लिक्विड, जब स्टॉपर है बॉटल का कंटेन कर रहा हो लिक्विड, कलरलेस होगा वो लिक्विड, कैसा होगा कलरलेस, वॉज रिमूव, उसको रिमूव किया गया तो जो बॉटल जो है वो कैसा देगा स्मेल ऑफ विनेगर में का, ठीक है। तो लिक्विड जो है बॉटल में वो कैसा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन का होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एसिडिक एसिड सॉल्यूशन या फिर सैचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। आई होप या एसिडिक एसिड नाम सुन के सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि विनेगर के साथ क्या मिक्सेस होता है। तो 5, 4, 3, 2, and 1, सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड द शेयर आवर वीडियो, क्योंकि ऐसे ही फन वीडियोस और आपको इंटरेस्टिंग एमसीक्यू वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और साथ ही आपको स्टडी वीडियोस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ क्लास 9th 10th का भी मिलेगा, एंड हम जल्दी क्लास 11th भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। यहाँ पे गलती कर दी है आप लोगों ने, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, आपने विनेगर देखा और लगा दिया है एसिडिक एसिड, बस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब स्टॉपर जो है बॉटल का कंटेन कर रहा था कलरलेस लिक्विड, जब रिमूव किया गया उसको तो बॉटल ने दिया एक स्मेल जैसा कि विनेगर का होता है, बट आपने सोचा विनेगर है तो यहाँ पे एसिडिक एसिड ही होगी, बट इट इज रॉन्ग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड, इनमें से कौन सा एसिड मिनरल नहीं होता है। तो मिनरल एसिड मैं बता दूँ क्या होता है, जो कि मैन मेड एसिड होते हैं मिनरल्स का यूज करके बनाए हुए होते हैं, सो उनमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर नाइट्रिक एसिड है। सो हेयर आर योर 5, 4 options, आपको इनमें से एक चूज करना है करेक्ट कौन सा है, ठीक है। सो चलो, सो आप एक चूज करो एंड राइट आंसर दो। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो, और आपको इसके 20+ likes पे आपको इसका पीडीएफ मैं फिर से रिमाइंडर दे रहा हूँ आपको मिल जाएगा, और आप इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, क्योंकि आपका 10-1 एग्जामिनेशन में ओनली MCQs ही आने वाला है। एंड मैं इसके साथ साथ मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, मैंने एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ 10-2 के लिए। सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। सो आवर आंसर इज नथिंग बट साइट्रिक एसिड, हमारा जो है आंसर साइट्रिक एसिड है। क्या है साइट्रिक एसिड, किसमें, एक मिनरल एसिड नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है लेमन वगैरह में साइट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि ह्यूमन मेड नहीं है, बाकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक ये सारे क्या ह्यूमन मेड एसिड है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, कौन सा इनमें से एक जो है बेस नहीं है, तो NaOH, KOH, NH4OH या फिर C2H
आप सभी को पता चल गया होगा, बट यहाँ हेटरोक्साइड सब में लगा हुआ है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो आराम से टाइम दो, 5 सेकंड के अंदर आंसर दो। सो 5, 4, 3, 2 and 1। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट C2H5OH. C2H5OH दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल आपका क्या होता है, एक बेस नहीं है। इथेनॉल क्या है, आपका एक बेस नहीं है। सो ये हमेशा याद रखना, ठीक है, इथेनॉल आपका बेस नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सैंपल जो है सॉइल का मिक्स किया गया है वाटर के साथ, ठीक है, अलाउ किया गया है सेटल होने के लिए, और क्लियर सेटल का नीचे बॉटल के, तो क्लियर सुपरिटेंडेंट सॉल्यूशन टर्न द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। जो क्लियर सुपरिटेंडेंट सॉल्यूशन था, टर्न कर दे उसका पीएच पेपर को येलोइश ऑरेंज में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू, और कौन सा जो है इनमें से ग्रीनिश ब्लू में चेंज करेगा। आई होप कि आपको ये मैंने पहले भी शायद करवा रखा है, सो आप लोग इसका आंसर दे ही सकते हो। तो 5, 4, 3, 2 and 1। सो राइट आंसर इज एंटासिड। मैंने इसका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, आपकी भी यहाँ पे हो गई रिवीजन, दैट इज एंटासिड यहाँ होगा। तो चलिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या होता है जब एक सॉल्यूशन ऑफ एसिड जो है मिक्स किया जाता है सॉल्यूशन ऑफ बेस को टेस्ट ट्यूब में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा जो स्लाइड है वो कंटेन करता है 25 प्लस एमसीक्यूज, तो आप सारे लास्ट तक देखो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है जब सॉल्यूशन ऑफ एसिड को मिक्स किया जाता है सॉल्यूशन ऑफ बेस के साथ टेस्ट ट्यूब में। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन जो रिमेन सेम रहता है ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 1 और 4 सही है, 1 and 3 सही है, 2 only सही है, 2 and 4 सही है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो एंड आंसर दो विद इन 5 seconds। तो 5, 4, 3, 2 and 1। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 2 and 4। 2 and 4 टेम्परेचर जो सॉल्यूशन का इंक्रीज करेगा और सॉल्ट फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। आप सभी को पता है एसिड को जब बेस के साथ मिलाया जाता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, साथ ही हीट भी प्रोड्यूस होती है। टेम्परेचर में जनरली राइजेस देखने को वहाँ पे मिल जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन हाइड्रोजन क्लोराइड जब HCl गैस जो है वो क्या होता है आप ऑन अ ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली पासेस थ्रू द कट। जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है और प्रिपेयर किया जाता है ह्यूमिड डे में, और जो गैस है यूजुअली पास किया जाता है कार ट्यूब के थ्रू, कंटेन कर रहा होता है कैल्शियम क्लोराइड को। तो रोल ऑफ जो कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द कार ट्यूब किस चीज़ का होता है, एब्जॉर्ब करेगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, मॉइस्ट करेगा गैस को, एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, या फिर एब्जॉर्ब करेगा क्लोरीन फ्रॉम द इवॉल्व गैस। तो आपका 5 सेकेंड अभी स्टार्ट होता है, सो जल्दी से आंसर दो उसका। 5, 4, 3, 2 and 1। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। अब एक्सप्लेनेशन क्या है सी का, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। तो क्या बोल रहा है कि रीजन क्या है कि गार्ड ट्यूब जो है ड्राई हो जाता है और एब्जॉर्प्शन वाटर फ्रॉम द कैल्शियम क्लोराइड ऑन द ह्यूमिडिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन द टर्म ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के टर्म में आपको बताना है कि कौन सा जो सही ऑर्डर है, वाटर कम है एसिडिक एसिड से कम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वाटर कम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कम है एसिडिक एसिड से, एसिडिक एसिड कम है वाटर से, कम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कम वाटर से, या कम है एसिडिक एसिड से। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस इन द इंग्लिश। सो वाटर इज लेसर देन द एसिडिक एसिड, लेसर देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर इज लेसर देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेसर देन द एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड लेसर देन द वाटर, लेसर देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेसर देन द वाटर देन द एसिडिक एसिड। आप लोगों ने अभी तक तो इसका आंसर पहचान ही लिया होगा, सो 5 सेकंड का टाइम लीजिए और जल्दी से आंसर दीजिए। 5, 4, 3, 2 and 1। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वाटर इज लेसर देन एसिडिक एसिड इज लेसर देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर 1 इज द योर राइट आंसर, दैट इज ए, आपका ये वाला बिल्कुल सही है। आपने जैसा गेस किया बिल्कुल सही है, आपने अगर सही से दिया है तो भी बिल्कुल सही है। तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज फॉर सच एन इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए आप पूछ रहे हैं आपसे कि पेराइन क्या है, पेराइन क्या है जनरली, पेराइन आपको पता है पेराइन क्या होता है। मैंने पहले भी आपको जब चैप्टर एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें मैंने पेराइन के बारे में बताया, तो आपको बता रहे कि पेराइन एक एक्वा सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन है, सोडियम कार्बोनेट का एक्वा सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो पेराइन क्या है आपको ये बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट विद इन अ सेकंड नाउ। सो 5, 4, 3
3, 2 and 1. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ही हम लोग ब्राइन करते हैं, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग बनाते हैं ना, बहुत सारी चीजें बनाते हैं सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन से, जिसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इजी पीजी क्वेश्चन होने वाला है सारा। सो एट व्हाट टेम्परेचर इज द जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो किस टेम्परेचर पे जिप्सम को हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, 90, 100, 110 या 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो आपको इसका आंसर देना है विद इन अ सेकेंड। सो 5, 4, 3, 2 and 1। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर बी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर। इतना पे करेंगे तभी वो क्या करेगा, टू मॉलिक्यूल्स में से डेढ़ मॉलिक्यूल्स को निकाल करके हाफ मॉलिक्यूल्स को रखेगा, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू, एक्वा सॉल्यूशन रेड को ब्लू चेंज कर देता है। एक्सेस एडेड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी वुड रिवर्स द चेंज, एक्सेस अगर एक्वा सॉल्यूशन में से क्या डाल दे तो रिवर्स कर देगा चेंज को, बेकिंग पाउडर डालने से, लाइम डालने से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालने से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से। सो योर टाइम विद इन अ सेकंड स्टार्ट होता है 5 सेकंड के लिए। तो 5, 4, 3, 2 and 1। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर हम उसमें एक्सेस डाल देते हैं तो वो चेंज कर देगा फिर उसका कलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे यूज होता है, एज अ एंटासिड यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सॉप, एज अ क्लीनिंग एजेंट, एज अ एल्कलाइन बैटरीज। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें से कैसे यूज करते, तो देखिए आंसर क्या है इसका। सो सोप के मैन्युफैक्चर में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न कर देता है फेनोफ्थलीन सॉल्यूशन को कैसा, पिंक, येलो, कलरलेस और ऑरेंज। ये मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, तो अच्छे से वॉच करो, मैंने इसका वन शॉट भी आपको दे रखा है, उसको भी वॉच कर लो अगर आपको पूरा देखने का टाइम नहीं है तो। बट आप लोग, मैं कहूँगा कि आप सारे एक एक पार्ट पे जाओ, क्योंकि वन शॉट एक्सप्लेनेशन सिर्फ एग्जाम टाइम में लेनी चाहिए। एंड आपने अगर चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो आप उसे डिग्री पढ़ो जाकर, ठीक है। आप सोच चुके होंगे तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विद इन 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2 and 1। सो राइट आंसर इज नथिंग बट पिंक, पिंक हो जाता है ना फिर सॉल्यूशन। सो हमारा जो है 25 प्लस एमसीक्यूज सॉल्व हो गया, और इसी के साथ हम लोग कहते हैं यहीं पे थैंक यू पेज है हमारा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। आपको जो भी चैप्टर चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।